साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सुल्तानपुर में कृषि उपज मंडी में किसान अपने धान को बेचने के लिए आते हैं, जहां उन्हें रुकना भी पड़ता है। वहीं दो दिन से हवा पानी ओलावृष्टि के कारण किसान अपने धान को मंडी में सूखने के लिए फैला रहे हैं, जहां कृषि मंडी सचिव द्वारा किसानों को मंडी से भगाया जा रहा है, उनके धान वहां से उठाने को कहा जा रहा है। जिस तरह मंडी सचिव द्वारा अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, यह मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेशों की मंडी है। सचिव द्वारा अवहेलना की जा रही है, जबकि पूरे कृषि उपज मंडी पर भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष एवं चंद व्यापारियों ने अपना कब्जा 5 साल से जमा रखा है। पूरी मंडी में अपना अनाज बाउंड्री बनाकर रखा हुआ है और पूरी मंडी में अपने वाहन खड़े कर रखे हैं, जिसके चलते किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अनाज खुले में रखना पड़ रहा है, उसके बाद भी किसानों को परेशान किया जा रहा है, जबकि मंडी सचिव को व्यापारियों के कब्जे से मंडी को छुड़वाना चाहिए। जिस तरह व्यापारियों और नगर परिषद अध्यक्ष के पूरी मंडी पर अपना कब्जा जमा रखा है, इसका कारण मंडी सचिव की मिलीभगत सामने आती है। देखिए, हमारा जो धान कटा है, मौसम खराब है, अब हम इसको कहाँ रखें? हमें ये मंडी की जगह दिखी हुई तो हम अपनी धान मंडी के अंदर ले आए सुखाने के लिए, गीली थी खेत में। तो भाई, समस्या का तो ये है, किसान साल में यहाँ पे दो बार फसल लाता है, एक धान के टाइम, एक गेहूं के टाइम। अभी किसानों के पास रखने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें चल रहा मंडी खाली पड़ी, उस पर जो ठीये बने उन पर पटक दें। तो यहाँ प्रशासन डेली परेशान कर रही है हर दो दिन में कि आप ये ठीये खाली करो, सरकारी धान तुलना। तब की हकीकत बात यह है, जो मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उसमें चंद व्यापारी अपना माल से लेके, ट्रक से लेके, और यहाँ तक कि मंडी की जमीन तक आज लोगों ने नेतागिरी के अंतर्गत कब्जे में ले ली है, उस पर भवन निर्माण कर लिया है। प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ ओनली किसान साल में दो बार आते हैं, उनको टॉर्चर करना अधिकारियों का भी है और प्रशासन का भी है। और यहाँ किसान इतना परेशान है, कल पानी जो गिरा तो पूरा माल लगभग 60% लोगों ने माल भगाया। आज व्यापारी आ रहे हैं लेने के लिए, कह रहे हैं इसको सुखाओ। भाई, इस धान को हम कहाँ ले जाकर सुखाएं? आपने आज हमारे नॉलेज में ये तथ्य लाए हैं, हम मंडी सचिव से पूछेंगे और जो भी किसान के हित में कार्रवाई करना उसको करवाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।